जब हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति यह सोच कर बैठे कि दुनिया में श्री कृष्ण का आगमन हो तो उससे मेरा क्या, बेल पक जाए तो कौवा का क्या, कौवा का तो चोंची टूट जाएगा और बेल में मारने से, तो बात तब बनेगा जब श्री कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए। घरों में भी लाने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, हमारे घर में भगवान आ जाए पहले, तुम्हारे भीतर तो आ जाए फिर घर में आएंगे। नदी नाव संयोग है, संस्कृति इति संसार, जो प्रतिपल सरक रहा है, मिट रहा है, अशाश्वतम दुखालयम, श्री कृष्ण कह रहे हैं यह संसार अशाश्वत है और दुखालय है। तो प्रतिपल मिट भी रहा है, सरक भी रहा है हाथों से, हम बनाने में लगे हुए हैं, संसार खिसकने में लगा हुआ है, दोनों में वनडे मैच चल रहा है क्रिकेट का, कौन जीते कौन हारे। और हर बार अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर उंगलियों पर गिने हुए चंद भक्तों ज्ञानियों को छोड़ दो तो सब लूजर हैं, सब हारे हुए लोग हैं। संसार के इस 70 साल के मैच में सब हार कर, थक कर, सब गंवा कर, जस्ट लाइक अ गंवार। गंवार की परिभाषा मैंने आपको दी थी, जिन्होंने अक्षर नहीं पढ़े वो गंवार नहीं है, जो विद्यालय नहीं गए वो गंवार नहीं है, जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो गंवार नहीं है, जो गांव में रहते हैं वो गंवार नहीं है, बल्कि जिन्होंने दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण मंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम, यह मनुष्य का शरीर पाकर भी 70 साल तक अपने जीवन को आनंद रहित गंवा दिया, वही पक्के गंवार हैं और उन्हें ही गंवार कहा जाता है। गंवार की परिभाषा यही है, इसलिए गंवार कोई कहे तो गाली समझ के नाराज मत होना, नालायक कह दे कोई, गंवार कह दे, व्यासपीठ से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुमको हिंदी भी नहीं आती, तुमको इंग्लिश भी नहीं आती, तुमको संस्कृत भी नहीं आती, तुमको बांग्ला भी नहीं आता, उड़िया भी नहीं आता, फ्रेंच भी नहीं आता, जर्मन भी नहीं आता, ठीक से अपने हिंदी के शब्दों के अर्थ खो दिए तुमने, आत्मा रसगुल्ला खा रही है तुम्हारी रोज कैंटीनों में, कॉलेज के कैंटीनों में। और बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों पर मैंने बहुत लंबी व्याख्या की है कि भारतीय सनातन संस्कृति ने कैसे संस्कृत और हिंदी के शब्दों के अर्थ को खो दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शब्द चले आ रहे हैं, मौलिक अर्थ खो गए और मूर्खों की तरह हम उसका व्यवहार करते जा रहे हैं। इसलिए नालायक का अर्थ है यू आर नॉट एलिजिबल, लायक नहीं है इसके, इसको बोलते हैं नालायक, भैया आपने 11वीं पास नहीं की है तो आप मेडिकल के एंट्रेंस में नहीं बैठ सकते, यू आर नॉट एलिजिबल, ना लायक, आप इसके लायक नहीं हैं। तो ये गाली कब से हो गई, तो आदमी नालायक कह दिया हमको, हैं बाबा बहुत खतरनाक है, जरा व्यासपीठ से उतरे तो हम बताते हैं, और तुम हमें क्या बताओगे, बुद्धि ठीक करो अपनी, संस्कृत और हिंदी के शब्दों को पढ़ना शुरू करो, निष्णात विद्वानों के साथ बैठना शुरू करो, ये तो साधारण भाषा है, अगर ये समझ नहीं पाते। और फिर भागवत के मंच पर बैठ करके कोई कहता है कि भागवत में तो विद्वानों की परीक्षा होती है, आपको साधारण शब्द आत्मा नहीं समझ आता, आपको साधारण शब्द ये गंवार समझ नहीं आते, और आप विद्वानों की परीक्षा लेने बैठ गए। भागवत में विद्वानों की परीक्षा है, परीक्षा देंगी है।